हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे ब्राइडल मेकअप कैसे कर सकते हो। काफ़ी इजी स्टेप्स में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो लाइक ज़रूर कर देना एंड विदाउट डू एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं टोनर से। उसके लिए मैंने यूज़ किया है गुड वैब्स का मलबरी टोनर, एंड टोनर लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील होता है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है पर्पल का विटामिन सी एंड विटामिन B3 सीरम। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीरम है, लेकिन अगर आप मेकअप करने से पहले अपना स्किन केयर कर लेते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो स्किन में नहीं जाएगा, जिससे आपको कोई पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, अगेन गुड वैब्स का मॉइस्चराइज़र है रोज़िप मॉइस्चराइज़र, इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी। नेक्स्ट आता है प्राइमर, उसके लिए मैंने यूज़ किया है एन बाय बे का ऑरेंज कलर करेक्टिव प्राइमर। जहाँ पर आपको अनइवन एरिया है वहाँ पर लगा लो, एंड ये आपके जो अनइवन एरिया है उसको काफ़ी जल्दी आईब्रोज हाइड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का ब्रो पोमेड। इसमें मेरा शेड है 01 और मैं इसको लगा के फिल कर लूँगी, एंड आईब्रोज की एजेस को क्लीन करने के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और इसको लगा के मैं एजेस को अच्छे से शार्प एजेस को एकदम अपनी नीट एंड क्लीन बना लूँगी अपने आईब्रोज को। और इसे मैं एज अ कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ आई बेस की तरह। फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी एंड स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट। में जो ये वाला शेड है मैं इसको लगा के एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 3 कलर यूज़ करूँगी और मेरा आई मेकअप कम्प्लीट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे से लगा लूँगी। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है मेबलिन का काजल, और मैं इसको इनर वी से आउटर वी तक लगा लूँगी एज अ लाइनर जैसे हम लगाते हैं, और उसे ब्लेंड कर लूँगी एक स्मजर ब्रश की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे स्टिक करने वाली हूँ लूज पिगमेंट, उसके लिए मैंने यूज़ किया है लैश ग्लू, और मैं इसको अपने इनर वी से इनर थर्ड तक लगा लूँगी और उसे ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, मतलब लगा रही हूँ उसे, एक फ्लैट स्मॉल फ्लैट ब्रश है उसकी हेल्प से मैं जो ग्लू है उसको अच्छे से लगा लूँगी। एंड मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का सिमर डस्ट है ये, और इसमें मेरा शेड है गोल्ड गोबेल, इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी। एंड देख सकते हो मेरा आई मेकअप कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का सुपर स्टे 24 आवर फाउंडेशन। मेरा शेड है 220 नेचुरल बेज, इसको मैं लगा लूँगी। अपने नेक एरिया को ज़रूर कवर करना है क्योंकि वो भी रिवील होता है। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। ब्रश जो है वो है BH कॉस्मेटिक के ब्रश, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रशेज़ हैं। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है अगेन स्विस ब्यूटी का कंसीलर, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाता है, एंड स्विस ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। कंसीलर को मैं ब्लेंड कर लूँगी एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। कॉन्टूर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का 9 कलर आई शेडो पैलेट। इसमें से जो चॉकलेट शेड है मैं उसको एज अ कॉन्टूर लगा रही हूँ। पहले मैं सिर्फ कॉन्टूर को प्लेस कर रही हूँ एंड उसको ब्लेंड कर लूँगी, एंड आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा शार्प लग रहा है। तो मेरा बेस क्रीज ना करे एंड लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसके लिए मैंने यूज़ किया है फिट मी का लूज पाउडर, और मैं इसको लगा लूँगी। पहले जो क्रीज है मैं उसको ब्लेंड करूँगी एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, देन मैं लूज पाउडर को अच्छे से लगा लूँगी जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लूज पाउडर लगा लिया है, एंड अपने बेस को मैं 2-3 मिनट्स के लिए छोड़ दे रही हूँ ताकि अच्छे से बेक हो जाए। तब तक मैं लगा रही हूँ मेबलिन का काजल अपने लोअर लैश को टाइट लाइन करने के लिए, एंड पूरे पाउडर को डस्ट ऑफ कर दूँगी एक पाउडर ब्रश की हेल्प से। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का ब्लश, काफ़ी ज़्यादा प्यारा शेड है। पहले मैं प्रोडक्ट का जो एक्सेस है उसे रिमूव कर लूँगी, देन जो प्रोडक्ट बच जाता है उसे मैं लगा लूँगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लश लगता है इससे। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का ब्लैक आईलाइनर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आईलाइनर है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा, एंड इसका एप्लीकेटर इतना ज़्यादा हैंडी है, आप इससे इजीली विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हो। मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया है पर्पल का मस्कारा, आपको लेंथ एंड वॉल्यूम दोनों प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैंने यूज़ की है स्विस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड आई थिंक
किस टू फॉर कुछ ऐसा शेड है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ग्लैम 21 का हाइलाइटर, काफ़ी ज़्यादा प्यारा हाइलाइटर है एंड इसमें आपको 6 शेड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लिया है एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ड्यूई ग्लोइंग बेस लग रहा है मेरा। तो यहाँ पे मैंने बस हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी बाकी है मेरी एंड साड़ी भी। सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइस, होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो। दिस वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये लुक मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जिन्होंने कर रखा है सो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। तू आके देख ले सोनी है, आई नीड समबडी हु कैन लव मी एंड माय बॉय। आई गॉट माय पीचेस आउट इन जॉर्जिया, आई गेट माय वीट फ्रॉम कैलिफोर्निया। कभी तू मुझे नजरों से दूर, कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए।